इस वक्त की बड़ी खबर बांदा यूपी से आ रही, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के मामले में पुलिस अधीक्षक ने थाना अध्यक्ष सहित दो कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर। बीती रात में हिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसपी आवास का किया था घेराव। युवती के अपहरण मामले में जानकारी करने पहुंचे थे थाना तदवारी। थाना अध्यक्ष सहित दो पुलिस कर्मियों पर लगे थे मारपीट के आरोप। आज भारी संख्या में हिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमकर किया प्रदर्शन। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के बाहर की नारेबाजी। पुलिस अधीक्षक और विहिप के पदाधिकारियों के बीच लंबी चली वार्ता। मारपीट मामले में सीसीटीवी फुटेज की जांच होगी और पीड़ित का मेडिकल कराकर तथ्यों के आधार पर की जाएगी कार्रवाई। बांदा यूपी से विष्णु सिंह की रिपोर्ट। घटना हुई है वो घटना नितान्त आपत्तिजनक एवं आपराधिक घटना है। हम निंदा के साथ साथ बड़ी कार्रवाई के लिए यहाँ पर विद्यमान हुए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय से अच्छे भाव में चर्चा हुई। चर्चा में ये बात आई, हमारे जिलाध्यक्ष, जिला मंत्री, जिला संयोजक सहित जिम्मेदार कार्यकर्ता तिंदवारी कोतवाली में पहुंच करके अपनी जायज मांग को लेकर के वार्ता किया, जिसमें स्थानीय कोतवाली की पुलिस ने जिस प्रकार से मारपीट किया उस पर हमारी मांगे संबंधित जो इंस्पेक्टर तिंदवारी सहित एसएसआई या सिपाही हैं जिन्होंने मारपीट की, उनको तत्काल सस्पेंड किया जाए और उन पर आपराधिक मुकदमा पंजीकृत किया जाए। इस बार पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा, हमारी दोनों के लोगों के बीच में ये बना कि हम अभी सभी को लाइन हाजिर करते हैं और मुकदमा पंजीकृत आज ही होगा। दो घंटे ढाई घंटा मैक्सिमम हमने दो आश्वासनों को माना है और ये कहा है कि हम बांदा केंद्र तब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक एफआईआर की कॉपी हमारे हाथ में नहीं मिल जाती है। किस बात को लेकर देखिए, 22 तारीख को एक बच्ची जो थी उसका एक केस था, उस संबंध में 23 तारीख को कुछ कार्यकर्ता थाने पे गए थे, यहाँ पे थाना पुलिस के साथ और एवं कार्यकर्ताओं के साथ आपस में कोई बातचीत हो गई थी, जिनके द्वारा जो बताया गया कि इनके साथ मारपीट की गई है और जो थाना पुलिस है उनके द्वारा बताया गया कि उनके ऊपर गलत टिप्पणी की गई है। और इन सभी चीज़ की जो जांच है वो सीओ सदर हमारे ऑलरेडी कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज अनुसार उसमें जो भी सच्चाई सामने आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए जो इनके ऊपर आरोप लगाया गया है, जो पुलिसकर्मी हैं उनको पुलिस लाइन में पोस्टिंग की लाइन हाजिर किया जा रहा है और जो भी इनके द्वारा कार्रवाई की मेडिकल दिया जा रहा है, जिस व्यक्ति को चोट आई है उसके मेडिकल उपरांत जो उसमें विधिक कार्रवाई बनती है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी। वो व्यक्ति अभी एडमिटेड है तो उनके द्वारा जो अपना मेडिकल दिया जाएगा और एवं जो पुलिस की सीसीटीवी फुटेज है उसको देखते हुए उसमें जो विधिक कार्रवाई है एफआईआर वाली वो की जाएगी। किनको किनको लाइन हाजिर किया गया है? देखिए, थाना अध्यक्ष और दो सिपाही उन्होंने बताया है कि आज इनके द्वारा इनके साथ मतलब की मारपीट की गई है और इनके द्वारा इन पर गलत टिप्पणी की गई है, उनको अभी लाइन हाजिर किया जा रहा है और जो बाकी फुटेज और जो मेडिकल्स हैं सभी के उसका अवलोकन करने के उपरांत जो विधिक कार्रवाई है वो विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी? जो फुटेज के अनुसार आएगा और जो मेडिकल के अनुसार आएगा, ठीक है, उसके अनुसार ही विधिक कार्रवाई उन्होंने लाई जाएगी। थैंक यू सर।